आज़ादी के पहली बार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत हुई। विधानसभा में पहुंचकर उन्होंने शपथ ले ली है। रामपुर में मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। रामपुर में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबादी दे रही हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका और आज आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम तरन्नुम है। आज मैं मिठाई खिला रही हूँ खुशी में। हमारे विधायक जी ने शपथ ली है, उस खुशी में सबको मिठाई खिलाई जा रही है। और वो जो है जो काम करेंगे, उन्होंने जो वादे करेंगे वो सब पूरे करेंगे। घर सबके अनाज पहुँचेगा घर घर, और सबका काम पूरा होगा। मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है? जी जी, बहुत ज़्यादा। मुसलमान औरतें बहुत खुश हैं उनके जीतने से, उनकी कामयाबी से। अब रामपुर की जनता क्या क्या मांग करना चाहती है, विधायक से क्या उम्मीदें लगाती है? रामपुर की जनता चाहती है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें और सारे जेंट्स जो है उनके लिए काम हो, लेडीज़ के लिए भी घर घर काम हो। रामपुर में मुस्लिम महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? अब तो बहुत सुरक्षित है, और घर घर अनाज पहुंचेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा होगा। तो आपने देखा कि मुस्लिम समाज की महिलाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के जो विधायक आकाश सक्सेना हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। उन्होंने कहा कि रामपुर में बेरोजगारी है, फैक्ट्रियां लगना चाहिए। उन्होंने कहा हमें विधायक से उम्मीद है कि वो विकास भी कराएंगे और फैक्ट्रियां। तो तमाम वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम समाज से लोग जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि आज मुस्लिम महिलाओं के साथ हम देख रहे हैं आप खड़े हुए हैं, तो किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? इतनी खुशी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है कि आकाश भाई के जीतने की भी, और आज उन्होंने शपथ ली है कि एक पली खून बढ़ गया। इतनी खुशी है कि जैसे हमारे भाई ने शपथ लिए ऐसी एहसास हो रहा है, और जो उन्होंने वादे करे हैं आकाश भाई ने कि क्या नाम है का अनाज जो हैगा गरीब लोगों को खुद घर पे पहुंचा कर रहेगा। ये बताइए कि रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, तो विधायक से क्या चाहते हैं आप लोग? विधायक जी से ये चाहते हैं कि जो महिला घरों में जो बैठी हुई हैंगी, तो कुछ काम ऐसा हो जो वो घर बैठे कहना में अपना काम करने लगे। पूर्व विधायक कौन थे और उनके कार्यकाल से कैसा देखते हैं आप? बहुत बढ़िया देखते हैं। कौन थे पूर्व विधायक? पूर्व विधायक आजम खान थे। अच्छा, कैसा काम किया था? बहुत बुरा, कोई काम में उनके वो मदद थे। काम जो है सारी सड़कें और जो सीवर का काम था, जहाँ जहाँ देखो गड्ढे हैं, कोई काम सही नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आकाश भाई को बहुत बहुत मुबारक देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि आगे के वो काम जो है बढ़िया करें और हमेशा विधायक ही रहें। ये बताइए कि पूर्व विधायक के कार्यकाल से कैसा देखते हैं? आजम खान ने कुछ कराया रामपुर में? ज़मीनें खुदवाई हैं, और क्या कराया, बिजली में घर घर मीटर लगवा दिए, ज़मीनें खुदवा दी, सबको परेशान करा है, सब परेशान है। पूरा ज़मीन खुदवा दी, सबके घरों में सीलन आ रही है, सब परेशान है लोग, किसी को कोई अच्छा नहीं करा, अपना पेट भरा है बस। तो बिजली से क्या परेशानी है? बिजली से ये परेशानी है, लाइट पानी आता है, सब करंट फैल जाता है, सब कुछ ज़मीनों में जगह जगह तार पड़े हुए हैं निकले हुए। जी जी, अंडरग्राउंड हुई हुई, इस वजह से जगह जगह तार निकले पड़े हैं, उससे जो है पानी जब पड़ता है तो पानी पे करंट आ जाता है, फॉल्ट हो जाते हैं घरों में। तो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम फाइज है, और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इस रामपुर के आवाम को का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने एक जालिम कांद किया और एक अच्छे नेता को, ईमानदार नेता को चुना, जो यहाँ पर विकास का कार्य करेंगे और उद्योग को की फैक्ट्रियाँ लाएंगे। आकाश भाई हमारे शपथ ले लिया आज, बहुत बहुत मुबारकबाद है उनको भी और इस रामपुर की जनता को भी। आज क्या कर रहे हैं सब लोग? आज बहुत खुश हैं, और ज़्यादातर इस रामपुर की महिलाएं खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि उनको एक आज़ाद ज़िंदगी मिल रही है। कभी भी रात को बेफिक्र रोडों पर निकल सकती हैं, जैसा कि पिछली सरकार में नहीं निकल सकती थी, समाजवादी गुंडे परेशान करते थे, अब वो आज़ाद हैं, बिल्कुल आज़ाद निकल सकती हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हुआ, मिठाई किस बात की है? मिठाई इसी बात की है कि आज आकाश भैया ने शपथ ली है, और शपथ की रामपुर में गली गली में घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। आज महिलाओं में भी, बच्चों में भी, बुजुर्गों में सबके खुशी की एक लहर मची हुई है। आपने देखा कि रामपुर में मुस्लिम समाज की महिलाओं में खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबादी दे रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी के विधायक आकाश सक्सेना हनी ने विधानसभा में जाकर शपथ ले ली है। उन्होंने कहा कि उनसे हम अपने विधायक से उम्मीदें लगाते हैं कि रामपुर में विकास कराएंगे और फैक्ट्रियां लगवाएंगे। रामपुर से जिशान खान।